नंटू मूवी कल ही रिलीज हुई है और इसे मैंने थिएटर में जाके फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा। अब इससे पहले हम अपने ओजी स्टाइल में कहानी में जाके उसके डिटेल को समझे, मैं आपको एक नॉन स्पॉइलर रिव्यू भी दे देता हूँ ताकि जो लोग सिर्फ रिव्यू देखने आए हैं वो उस सेक्शन को देख ले और निकल ले। इससे आपका मन भी बन जाएगा कि आपको ये मूवी थिएटर में देखनी चाहिए या नहीं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हम सब जानते हैं कि नंटू कॉन्जरिंग यूनिवर्स का हिस्सा है और इसे माइकल शॉवेज ने डायरेक्ट करा है। पहले फिल्म के पॉजिटिव्स की बात करें तो इसमें आपको क्वालिटी जंप स्केयर्स देखने को मिलेंगे जो कि अच्छे से बिल्डअप होते हैं एंड देन एग्जीक्यूट होते हैं। पात्रों की एक्टिंग भी एकदम ऑन पॉइंट है, चाहे आप चाइल्ड एक्टर्स को ही क्यों न लो, सभी ने अपना रोल बहुत ही बेहतरीन तरीके से निभाया है। यहाँ हमें टेसा फार्मिगा वापस से एज सिस्टर आइरीन दिख रही है और उन्होंने तो ऑब्वियसली अपने रोल को अच्छे से निभाया ही है। देन फिल्म का सेट डिजाइन, साउंड डिजाइन, वीएफएक्स वर्क सब ऑन पॉइंट है और फिल्म देख के आपको क्लियरली पता चलेगा कि भैया इसमें बजट लगा है अच्छा खासा और टेक्निकल डिटेल्स पे काफी ध्यान दिया गया है। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि नन 2 एक टेक्निकली वेल मेड फिल्म है, लेकिन जितनी भी पॉजिटिव्स थी वो यहीं पे खत्म हो जाती है क्योंकि जैसे ही आप कहानी या डायरेक्शन पे आएंगे तो वहां फिल्म बहुत ज्यादा वीक है। अब डायरेक्शन खराब होने का दोष मैं प्लॉट को देना चाहूंगा क्योंकि इसका प्लॉट इतना ज्यादा सिंपल सा है, मतलब सब कुछ आप प्रिडिक्ट कर पाओगे, कुछ भी नया सा आपको देखने को नहीं मिलेगा, जिस वजह से डायरेक्शन भी काइंड ऑफ स्ट्रेच्ड और स्लो लगती है। फिल्म का फर्स्ट हाफ तो आपको इतना स्लो लगेगा, लिटरली उसमें कहानी एक इंच नहीं बढ़ रही है और बस बिल्डअप हो रहा है, जंप स्केयर्स हो रहा है। आई मीन इन चीजों को थोड़ा कम किया जा सकता था एंड देन मूवी में थोड़ा और सब प्लॉट्स या फिर कहानी को ही थोड़ा और कॉम्प्लेक्स बनाया जा सकता था। अब स्टोरी का जो एक बिग रिवील आता है सेकंड एक्ट में, तो भैया वो भी कुछ खास रिवील नहीं था। इनफैक्ट उसका जो कॉन्सिक्वेंस था वो भी कुछ खास नहीं था, सब कुछ होने के बाद भी कुछ हुआ नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ आप समझ जाओगे जब मैं एक्सप्लेन करूंगा कहानी। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि फिल्म की डायरेक्शन, स्टोरी और एग्जीक्यूशन ये बहुत ज्यादा वीक पड़ती है, लेकिन ऑन द अदर हैंड टेक्निकली ये फिल्म काफी वेल मेड है। तो ऐसे में मैं सजेस्ट करूंगा कि आप OTT पे आने का इस फिल्म का वेट कर सकते हैं, देन इसको आराम से देख लीजिए। हालांकि अगर आप कॉन्जरिंग यूनिवर्स में काफी इन्वेस्टेड हैं तो हाँ, आपको ये फिल्म देखनी चाहिए थिएटर में जाके। मोरओवर अगर आप एक ऐसे व्यूअर हैं जो कि टेक्निकली वेल मेड फिल्म पसंद करते हैं, जहां हर एक सीन अच्छा हो, सेट डिजाइन आपको अच्छा देखने को मिले, साउंड डिजाइन अच्छा, इन दैट केस ऑल्सो आप इस फिल्म को जाके थिएटर में देख सकते हैं। अब एक और चीज बता दूं कि यहां एक मिड क्रेडिट सीन भी है जिसका कोई मतलब तो नहीं बनता है, बट देन वहां आपको कुछ बहुत ही जाने माने किरदार देखने को मिलेंगे जो कि आपको खुश तो जरूर कर देगा। तो बस यही था मेरा स्पॉइलर फ्री रिव्यू। अब जिन लोगों को स्पॉइलर नहीं चाहिए वो लोग यहां से निकल सकते हैं वीडियो को छोड़ के, क्योंकि यहां से हम बात करने वाले हैं कहानी को डिटेल में नहीं, काफी ब्रीफली ही जानेंगे, बट स्टिल स्पॉइलर्स होंगे, तो लास्ट वार्निंग दे रहा हूं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि नन 2 की कहानी बहुत ही सिंपल सी है, ऑल दो इसमें कुछ छोटे मोटे सब प्लॉट्स हैं जो कहीं लीड नहीं करते, तो ऐसे में मैं काफी ब्रीफली यानी काफी शॉर्ट में इस कहानी को आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो फिल्म की कहानी 1956 में शुरू होती है, जहां हम फ्रांस का टेरेस्कॉन जगह देखते हैं। यहाँ जैक्स नाम का बंदा चर्च में फादर की मदद करता था, लेकिन एक दिन जब वो बेसमेंट में फादर के लिए वाइन लेने जाता है तो वहां वाइन का जार बर्स्ट कर जाता है। इनफैक्ट जब वो एक फुटबॉल को अंधेरे जगह की तरफ किक करता है तो फुटबॉल वापस आता है। हम समझ पाते हैं कि इस जगह को वैलक यानी नन हॉन्ट कर रहा है। इनफैक्ट जब जैक्स फादर के पास जाता है तो फादर एकदम से हवा में लेविटेट कर जाते हैं और उनके शरीर में आग लग जाती है, यानी कि जैक्स के सामने ही फादर मारे जाते हैं। और इसके ठीक बाद हम एक इंसान को चर्च के पास से ही कहीं जाते देखते हैं जिसका परछाई नन जैसा था। दिस डिपिक्टेड कि वो इंसान जो कोई भी है उसे ही वैलक पजस करके रखा है। यहां से कहानी सिस्टर आइरीन पे फोकस करती है जिन्हें हम नन के पार्ट 1 में भी देख रखे हैं। सिस्टर आइरीन सिस्टर डेबरा से काफी क्लोज है और यहाँ डेबरा थोड़ी रेबल सी है। ये दोनों एक दूसरे से अपनी पास्ट स्टोरी शेयर करती हैं, जहाँ हम जान पाते हैं कि डेबरा मिसिसिपी से है और कुछ ट्रबल के कारण उनका घर जला दिया गया था। इसके बाद डेबरा का भाई मिलिट्री ज्वाइन कर लिया और डेबरा को चर्च ज्वाइन करवा दिया गया। वहीं आइरीन बताती है कि वो अपनी मॉम से काफी क्लोज थी और उसकी मॉम बहुत रिलीजियस भी थी, उन्हें कुछ विजन्स आते थे और ऐसे में आइरीन के पिता डॉक्टर्स बुलाकर उनके मॉम को अलग कर दिए और फिर आइरीन चर्च ज्वाइन
ज्वाइन कर ली। एनीवेज, एक दिन आयरन को एक अजीब सा सपना आता है जिसमें वो नन को देख पाती है और यहाँ मॉरिस नन से पजस्ड होकर हेल्प की गुहार लगा रहा था। अब आप पूछोगे मॉरिस कौन है? वेल, नन पार्ट वन अगर आपको याद हो तो आपको पता होगा, नहीं भी याद है तो मैं जल्दी आगे बता दूंगा। अब इत्तेफाकन उसी दिन सिस्टर आयरीन से मिलने चर्च के हायर अप्स आते हैं और कहते हैं कि हाल फिलहाल में कई जगह लोग मारे जा रहे हैं और हो न हो ये किसी डेविल का काम है। फॉर एग्जाम्पल, सेलेस्टे हंगरी में एक इंसान की मौत हुई, देन ग्रैज ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा ही कुछ हादसा हुआ, देन इटली में और कई और जगह, एंड रिसेंटली तो हम देखे ही थे कि फ्रांस के टेरेस्कॉन में फादर के साथ क्या हुआ था मूवी के स्टार्टिंग सीन में जहां वो जल गए थे। तो हाँ, ये भी इसी इवेंट चेन का हिस्सा था। ये एक तरह का पैटर्न जैसा था जहां लोग मारे जा रहे थे और कहीं ना कहीं ये इविल एंटिटी वेस्ट की ओर बढ़ रही है क्योंकि यही इविल एंटिटी लोगों को मारते हुए अपना जगह चेंज कर रही है। लोग अनुमान लगा रहे थे कि इस इविल एंटिटी का ओरिजिन रोमानिया से हो सकता है, तो ऐसे में सिस्टर आयरीन को इससे जड़ से खत्म करना है। आयरीन पहले तो मना करती है कि नहीं, मैं ऐसे कोई काम नहीं करूंगी, लेकिन उनके अलावा इस तरह से इविल को हैंडल करने का एक्सपीरियंस किसी के पास नहीं था, इसीलिए उन्हें ही इस टास्क को लेना पड़ता है। तो आयरीन ट्रेन पे निकल जाती है इस पूरे केस की छानबीन करने और यहाँ डेबरा भी चोरी छुपके आयरीन के साथ ट्रेन पे आ जाती है। ये दोनों फिलहाल फ्रांस के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ हम फ्रांस के एक गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल का नजारा देखते हैं जहाँ मैडम लॉरेंट इस स्कूल को चलाती है। स्कूल में केट नाम की एक टीचर है, उनकी बेटी है सोफी। अब सोफी एक बहुत अच्छी बच्ची है, लेकिन इस स्कूल में कुछ बदमाश लड़कियां भी हैं जो सोफी को बुली करती हैं। स्कूल में हम मॉरिस को भी देख पाते हैं। जी हाँ, याद है पिछले पार्ट का एक बंदा जो सिस्टर आयरीन को लास्ट में बचाया था, लोग उसे प्यार से फ्रेंची भी कहते थे। वेल, वही मॉरिस है। मॉरिस यहाँ हर तरह के काम करता है, लाइक गार्डनिंग, प्लम्बिंग, बेसिकली हम कह सकते हैं कि स्कूल को मेंटेन करने का हर तरह का काम मॉरिस करता है। अब यू तो मॉरिस काफी काइंड है, केट पे लाइन मारता है, सोफी उसे पसंद करती है, लेकिन उसका एक डार्क साइड भी है। अब याद करो पिछले फिल्म के एंड में क्या हुआ था, डेविल मॉरिस के अंदर आया था और हमने इस बात को देखा था। वेल, मॉरिस अब तक पजेस्ड है और कभी कभी वो अजीब हरकतें करता है, लाइक एक बार वो अपने घर में आए सामान की डिलीवरी करने वाले बच्चे को मार गिराता है। इनफैक्ट मूवी के पहले एक्ट में जिस इंसान की परछाई नन जैसी थी वो मॉरिस ही था, यानी कि मॉरिस ही नन के प्रभाव में या फिर नन ही ये सारी कत्लें कर रहा है। एनीवेज, तो स्कूल में एक बार वो बुली लड़कियां सोफी को वहां के चैपल में फंसा देती हैं जहां जाना सख्त मना था। इस चैपल में हम असाधारण गतिविधियां देखते हैं जो कि ऑब्वियसली नन के करतूत थे। इनफैक्ट यहां एक ग्लास था जिसपे एक मॉन्स्ट्रस गोट की पिक्चर थी। जब लाइट एक पर्टिकुलर एंगल पे ग्लास को हिट करता था तो गोट की आंख रेड हो जाती थी और रेड जैसा एक लाइट प्रोजेक्शन कमरे में होता था किसी एक स्पेसिफिक स्पॉट पे। अब इस चैपल के अंदर सोफी को कई बार नन दिख रही थी, उसे डर लग रहा था, लेकिन एन वक्त पे मॉरिस उसे बाहर निकालता है और यहां हुई असाधारण गतिविधियों के कारण सोफी काफी डर गई थी। इनफैक्ट बाहर आने के बाद भी सोफी को नन दिखाई देती है और ऐसे में सोफी को फील होने लगा था कि यहां कुछ तो गड़बड़ है। इधर मॉरिस केट से पूछता है कि आखिर इस चैपल को लॉक करके क्यों रखा गया है और बच्चों को यहां जाने क्यों नहीं दिया जाता। केट बताती है कि मैडम लॉरेन का पहले एक बेटा हुआ करता था जिसका नाम सेड्रिक था। पास्ट में जब बॉम्बिंग्स वगैरह हुआ था तब सेड्रिक उसी जगह पे मारा गया था, तो तभी से मैडम चैपल को लॉक रखती हैं और वहां किसी को भी जाना मना है। खैर, दूसरी तरफ सिस्टर आयरीन और सिस्टर डेबरा टेरेस्कॉन पहुंचते हैं और वो लोग उसी चर्च में जाते हैं जहां के फादर जल के मारे गए थे। वहां से उन्हें पता लगता है कि कोई फ्रेंची यहां काम करता था और फ्रेंची का नाम सुनते ही आयरीन समझ जाती है कि जरूर फ्रेंची ये कोई और नहीं बल्कि मॉरिस ही है। एंड देन मॉरिस तो पिछले पार्ट में नन से भिड़ा था, तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि मॉरिस ही पजेस्ड है। आयरीन यहां जैक्स से भी मिलती है और उसे जैक्स के पास फादर का रोजरी दिखता है। वो जैक्स का पीछा करती है, लेकिन चलते हुए वो सुनसान गली में पहुंच जाती है जहां एक बुक स्टॉल के पेजेस पलट के नन की पिक्चर बनाते हैं। नन यहां आयरीन को तगड़ा जंप स्केयर देती है जिससे आयरीन बेहोश हो जाती है। एन वक्त पे डेबरा आकर आयरीन को डॉक्टर के पास ले जाती है और यहां बेहोशी की हालत में आयरीन कुछ चीजें देखती है, लाइक फायर, कोई इंसान किसी लेडी के आईज में चाकू मार रहा है इत्यादि। अब हम समझ नहीं पाते कि ये विजन क्या था, लेकिन इसका सेंस थोड़ी ही देर में आपको आगे पता चल जाएगा। दूसरी तरफ स्कूल में रात को मैडम लॉरेंट को कुछ आवाज सुनाई देती है। वो बाहर जाके चेक करती है और वहां चैपल के गेट पे मॉरिस अपना सर पटक रहा था। मैडम फौरन मॉरिस को पुकारती है और वो अपने होश में आता है, जिसके बाद वो यहां से अजीब तरह बिहेव करके चला जाता है। अब मॉरिस के जाने के बाद भी मैडम को चैपल के अंदर से आवाज आती है जो कि मामा कह रहा था। मैडम चैपल के अंदर जाती है और वहां उन्हें अपने मरे हुए बेटे सेड्रिक का घोस्ट दिखता है जिसके पीछे ऑब्वियसली नन थी। सेड्रिक का घोस्ट मैडम पे हमला कर देता है और वहां का एक भारी भरकम चेन मैडम पे गिरता है जिससे वो वहीं पे मारी जाती है। अगली सुबह
केट को मैडम की लास्ट चैपल में मिलती है और पूरा स्कूल शॉक में चला जाता है, स्पेशली सोफी। वहीं दूसरी तरफ आइरीन को होश आता है और अब उसे कुछ चीजें समझ आने लगती है। सबसे पहले तो वो हर उन कत्ल के फोटोज को देखती है जो कि डेविल से किसी न किसी तरह एसोसिएटेड थे। बताया था ना मैंने, कई जगह पे डेविल मारे जा रहा है लोगों को। इन सब का जो फोटोज था उसमें एक सिंबल कॉमन था और ये वही सिंबल था जो कि जैक्स के पास वाले रोजरी में था। इसके अलावा अपने विजन में वो सेंट लूसी को देखी थी जिन्हें पास्ट में पेगन्स ने मार डाला था और उनके आंख को निकाल दिया गया था। तो कहीं ना कहीं इस सिंबल का सेंट लूसी के हिस्ट्री से कुछ कनेक्शन जरूर था। यही जानने के लिए आइरीन अपने एक फ्रेंड को विजिट करती है जो कि कैथोलिक आर्काइव्स में काम करता था। वो ये सिंबल तुरंत पहचान जाता है एंड देन वो बताता है कि दरअसल ये एक फैमिली क्रेस्ट है। जब पास्ट में बहुत पहले सेंट लूसी को मार के उनका आंख निकाल दिया गया था पेगन्स द्वारा, तब सेंट लूसी की फैमिली बच गई थी। उन्होंने लूसी की आईज जो कि अब एक होली रेलिक थी उसे प्रोटेक्ट किया। तो जिसके पास भी ये सिंबल यानी कि फैमिली क्रेस्ट है वो कहीं ना कहीं सेंट लूसी के वंश से जुड़े हुए हैं और ये डेविल उन्हें ही हंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसे वो होली रेलिक चाहिए। दरअसल हो सकता है कि ये डेविल पहले एंजल हुआ करता था जिसे गॉड रिजेक्ट कर दिए। ऐसे में वो अपना पावर खो दिया और इस होली रेलिक को पाकर वो अपना पावर वापस से हासिल कर लेगा, यानी कि एक डेविल जिसके पास एंजल की ताकत हो। इसीलिए वो जगह जगह जाकर इस फैमिली को मार रहा है। बेसिकली वो उस होली रेलिक को खोज रहा है विच इज आईज ऑफ सेंट लूसी। तो इससे पहले वो डेविल यानी नन होली रेलिक को खोज ले, आइरीन को वो रेलिक खोजना होगा और उसी रेलिक को नन के अगेंस्ट इस्तेमाल करके उसे वापस नर्क भेजना होगा क्योंकि ये रेलिक काफी पावरफुल है। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि आखिर ये रेलिक होगा कहाँ? वेल, इन्हें पता लगता है ऑब्वियसली वही आर्काइव वाले बंदे से कि जील पॉल रिडा नामक इंसान के पास ये रेलिक था जो कि इसे एक मॉनेस्ट्री में दफना दिया था। देन उस जगह पे एक वाइन सेलर बना और फिलहाल वहाँ एक गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल है, यानी कि जिस स्कूल में सोफी केट वगैरह है ना उसी के चैपल के अंदर वो रेलिक है जहाँ पहले वाइनरी हुआ करता था और उससे पहले ऑब्वियसली मॉनेस्ट्री। नो वंडर नन इस जगह पे है क्योंकि वो रेलिक खोज रही है मॉरिस को पजस करके। ये जानते ही सिस्टर आइरीन और डेब्रा दोनों इस गर्ल्स स्कूल की तरफ निकलती हैं। नाउ स्कूल में हम मॉरिस को देखते हैं जो सोफी और केट के साथ था और अचानक ही नन उसके ऊपर हावी हो जाती है। उसका ये हाल देख सोफी डर जाती है, इनफैक्ट नन सोफी पे हमला भी करती है। मॉरिस किसी तरह खुद को कंट्रोल करते हुए केट और सोफी को वहां से भगाने लगता है लेकिन एन मौके पे सिस्टर आइरीन वहां पहुंचती है। आइरीन कहती है कि डीमन मॉरिस के अंदर ही है और जैसे ही मॉरिस को कन्फ्रंट किया जाता है मॉरिस पूरी तरह से पजस्ड हो जाता है। मॉरिस सिस्टर आइरीन और डेब्रा पे हमला कर देता है लेकिन डेब्रा किसी तरह मॉरिस के सर पे हमला करके उसे बेहोश कर देती है। इसके बाद ये लोग मॉरिस को बांध देते हैं और फिर चैपल में रेलिक ढूंढने लगते हैं। यहाँ सोफी उन्हें वही गोट की रेड आईज वाली ग्लास दिखाती है और डेब्रा बाहर से इस पे टॉर्च से लाइट मारती है और ये रेड आई जमीन में जिस जगह रेड पॉइंट करता है उसे खोदने पे इन्हें वाकई में वो होली रेलिक मिल जाता है, यानी कि आईज ऑफ सेंट लूसी। दूसरी तरफ मॉरिस को होश आ जाता है और वो अपना बंधन खोल के निकल जाता है। पजेस्ड मॉरिस के अलावा हम यहाँ एक डेविल को अपने असली फॉर्म में देखते हैं जो कि बाकी बच्चियों पे अटैक कर देता है, स्पेशली उन बुलीव करने वाली लड़कियों पे। इन्हें डेब्रा किसी तरह इस डेविल से बचाती है लेकिन ये डेविल अलग अलग रूप में इन बच्चियों को डरा रहा था। लाइक एक बार होल से देखने पे डेविल इन्हें मैडम के रूप में दिखता है जिनके फेस पे कॉकरोचेस थे। कॉकरोच इसलिए क्योंकि कॉकरोच से वो डरती थी और ये बच्चे मस्ती में कई बार मैडम के घर में कॉकरोच छोड़ देते थे। खैर, वहीं दूसरी तरफ मॉरिस आइरीन पे हमला कर चुका था। ऐसे में सोफी रेलिक लेकर वहां से बेल टावर पे चढ़ जाती है और मॉरिस सोफी के पीछे पीछे उस टावर में आता है। जब मॉरिस सोफी के पास पहुंचता है तो ये रेलिक काइंड ऑफ एक्टिवेट होता है। हम उसमें एक येलो सा लाइट जलते देखते हैं जिससे हम मॉरिस को थोड़ा विचलित होते जरूर देखते हैं। इन सब असाधारण गतिविधियों के कारण पूरा बेल टावर हिलता है जिससे बेल टूट जाता है। इनफैक्ट पूरा बिल्डिंग ही काइंड ऑफ कोलैप्स करने लगा था और सोफी किसी तरह जान बचाकर नीचे आती है। यहाँ आइरीन सोफी से मिलती है और हम पजेस्ड मॉरिस को भी देखते हैं। ऐसे में आइरीन रेलिक की मदद से मॉरिस को रोकती है और हम मॉरिस के आंख नाक सब से खून निकलते देखते हैं। इस सीन को देखकर ऐसा लगता है मानो मॉरिस मारा गया। इनफैक्ट सभी रोने भी लगते हैं लेकिन अचानक ही मॉरिस उठता है और रेलिक छीन लेता है। देन वो रेलिक को जलाकर उसके पावर को काइंड ऑफ पा लेता है, जिसके बाद हम क्लियरली नन को उसके पीछे प्रकट होते देखते हैं जो कि अपने भीषण रूप में थी। दूसरी तरफ बच्चों के ऊपर डेविल अब भी अटैक कर रहा था और केट इन बच्चों को संभाल रही थी। डेविल एक बुली करने वाली किट जो मेन किट थी उसको स्टैब कर देता है लेकिन यहाँ सभी दिमाग से काम लेकर डेविल से कहीं ना कहीं छुप रहे थे। बच्चों के छुपने में मदद केट कर रही थी क्योंकि डेब्रा फिलहाल सोफ
सोफी के पास और इरिन के पास चली गई है। अब नन की बात की जाए तो वो रेलिक पाके काफी पावरफुल हो चुकी थी, जिसके बाद वो सोफी, आयरीन और डेब्रा पे हमला कर रही थी। नन आयरीन को ठीक मूवी के पहले सीन की तरह हवा में उठा देती है और जलाने लगती है। लेकिन तभी आयरीन को अपने माँ की याद आती है, जो हमेशा कहती थी कि वो फॉरएवर उसके साथ है। आयरीन के इस बिलीव के कारण आग बुझ जाता है और अब आयरीन समझ चुकी थी कि नन को कैसे हराया जाए। दरअसल खेल पूरा बिलीव करने का है भगवान पे। फॉर एग्जाम्पल चर्च में दिया जाता है ना वाइन और कहा जाता है इट्स क्राइस्ट ब्लड। हमें सर्कुलर उजला सा कुछ दिया जाता है, कहा जाता है ईट द क्राइस्ट बॉडी। सिमिलरली अभी वो वाइन सेलर में है और अगर वो प्रे करके बिलीव करेंगे तो यहाँ का सारा वाइन क्राइस्ट ब्लड की तरह काम करेगा। याद है नन के पार्ट वन में क्राइस्ट ब्लड से ही तो नन को हराया गया था। बस फिर क्या था, इरीन और डेब्रा प्रे करती हैं जिससे सेलर का सारा वाइन फट के नन पे गिरता है और ये क्राइस्ट ब्लड की तरह काम कर रहा था, यानी कि इससे नन जल जाती है और डेविल भी खत्म होता है। एटलीस्ट नर्क तो पहुंची गई होगी, या पता नहीं वापस आ जाए। पता नहीं क्या वापस आएगी ही, तभी तो फ्यूचर के मूवीज में दिखती है हमें नन। ध्यान रहे वॉरेंस का जो नन से टकराव है वो आगे के टाइम लाइन में है और शायद एग्जॉर्सिज्म भी मॉरिस का हुआ है आगे, तो या गई नहीं है नन ये तो श्योर है। धीरे धीरे मॉरिस भी नॉर्मल होता है और अब सब कुछ ठीक हो चुका है। मूवी के एंड में मॉरिस को काफी हेल्दी देखते हैं और वो केट और सोफी के साथ है। उसका टमाटर भी अब उग गया है। याद है पिछली मूवी में आयरीन उसे टोमेटो सीड्स दी थी क्योंकि मॉरिस को फार्मिंग करना पसंद था। वेल हाँ वो कर रहा था और अब उसका टमाटर अच्छा खासा उग गया है। फिल्म खत्म होने से पहले हम आयरीन को थोड़ा शक वाला फेस बनाते देखते हैं, बट इट वॉज नॉट कंक्लूसिव, तो हम कह नहीं सकते वहाँ क्या हुआ। तो पता नहीं नन का अगला पार्ट आएगा या नहीं, आ भी सकता है अगर ये फिल्म अच्छा कमाती है। वैसे यहाँ मिड क्रेडिट सीन में हम वॉरेंस को जरूर देख पाते हैं, जिन्हें फादर गॉर्डन का कॉल आया है किसी केस के सिलसिले में। यानी कॉन्जरिंग सीरीज तो पक्का आगे चलती रहेगी और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। तो आप देख सकते हैं फिल्म की कहानी कितनी ज्यादा सिंपल थी। इनफैक्ट जब नन को मिल जाता है वो रिलिक, उसके बाद भी उसका कोई ऐसा खास नया पावर दिखा नहीं हमें। मतलब वो नॉर्मली थी, इससे पहले भी लोगों को इसी तरह से मार रही थी, तो वही जो ट्विस्ट आया उसका ज्यादा सेंस नहीं बना, बट स्टिल टेक्निकली वेल मेड फिल्म है, तो मन है तो जाके देख लो। तो बस यही थी फिल्म की एक्सप्लेनेशन और बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल पे नए हो तो हमें सब्सक्राइब भी करना। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।